जाते जाते एसपी सरकार के साथ एक और विवाद जुड़ा है, एक और आरोप है। एसपी सरकार की निशुल्क बैग वितरण योजना सवालों के घेरे में है। करोड़ों के स्कूल बैग गोदामों में सड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बैग पर सीएम की फोटो लगी है। ऐसे में बीजेपी इन बैग्स को बंटवा भी नहीं पाएगी। निशुल्क स्कूल बैग योजना पर पशुपेश में अधिकारी, अखिलेश सरकार में आए थे सीएम की फोटो लगे बस्ते। गोदामों में भरे पड़े हैं 3,17,00,000 के स्कूल बैग। बस्ते पर अखिलेश की फोटो पचा पाएगी बीजेपी सरकार? पूरे चुनाव में अखिलेश यादव का नारा काम बोलता है गूंजता रहा, मगर फर्रुखाबाद में कहानी अलग ही है। यहां काम बोरों में बंद गोदामों में भरा पड़ा रहा। जी हां, सपा सरकार ने मई 2016 में 8वीं तक के बच्चों को निशुल्क बैग वितरण योजना की घोषणा की थी। ये बस्ते सत्र परीक्षा और छमाही परीक्षा के बाद जिले में आ पाए और वितरण से पहले ही आचार संहिता के फेर में फंस गए, जिसके बाद अखिलेश यादव के फोटो लगे 3,17,00,000 रुपए के स्कूल बैग कबाड़ हो गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में बैग छपे हैं, सरकारी खजाने का दुरुपयोग कहीं कहीं होता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में चाहिए सरकार को आने वाले समय में, और यह भी ध्यान रखा जाए किसी के धार्मिक चित्र ना हो और व्यक्तिगत किसी के चित्र किसी योजना में नहीं होने चाहिए। अब सवाल ये है कि बीजेपी सरकार अखिलेश यादव की फोटो लगे स्कूल बैग पचा पाएगी? और अधिकारी भी पशुपेश में है कि 3,17,00,000 की लागत के इन बैग का क्या करें। तो वहीं अधिकारी कह रहे हैं कि शासन के आदेशों के बाद ही फैसला लिया जाएगा। जो सैंपल हमको जनपद स्तर पर प्राप्त कराए गए थे, उनमें उन बैगों के ऊपर माननीय अखिलेश जी की फोटो थी, और जो आपूर्ति दी गई थी उसमें पहली जो डिलीवरी हुई थी उसमें भी फोटो थी, लेकिन जो बाद बैग आए हैं उसमें बिना फोटो के भी हमको प्राप्त कराया गया, और जो फोटो वाले बैग सैंपल आए हैं उन्हीं से उसका मिलान कराया जाएगा और उनको एनालिसिस के लिए लैब में भेजा जाएगा। अधिकारी नई सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अनिल वर्मा, फर्रुखाबाद समाचार प्लस।